हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम कल हो चुका है, दैट मींस कि 12 सितंबर को हरियाणा स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो जिसके अंदर जो जीएस पेपर वन है उसका एनालिसिस हम आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जीएस पेपर टू मींस सी सेट पेपर टू का हम आज एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लेवल क्या रहा है एग्जाम का। तो लेवल रहा है इजी टू मॉडरेट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर ऑफ इजी लेवल। आप ये कह सकते हो कि ये कहिए कि 70% जो क्वेश्चंस थे दैट वर ऑफ इजी लेवल और 30% आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कह सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के काफ़ी कम क्वेश्चंस आए हुए थे, 10 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के थे, बाकी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शन कवर हुआ हुआ था, ठीक है। तो अभी इसके अंदर आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास जो सेट है दैट इज सेट डी, सेट डी हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, जो ये वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ में सिर्फ आंसर्स डिस्कस करूंगी कि क्वेश्चंस के आंसर क्या रहे हैं। एक तरह से हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर आगे फर्दर वीडियोस के अंदर हम आप लोगों के साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शन बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में लेके आएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर आंसर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि सेट डी का है, ओके। अब थोड़ा सा फर्क ही हो जाता है, क्वेश्चंस तो सेम ही रहते हैं, क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। ये सेट डी है, ओके। तो क्वेश्चंस देख लेना नंबरिंग की बजाय क्वेश्चंस पे आपने फोकस करना है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में, यस आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यस इंग्लिश का क्वेश्चन है, पैराग्राफ है जिसपे 8 क्वेश्चंस थे। देख लीजिएगा कौन सा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है एवरीबडी वुड बी गेटिंग एवरीबडीज एल्स वे, ये वाला पैराग्राफ है, ओके। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो विच वर्ड क्लोजली रिलेट टू वर्ड लॉलेसनेस। तो यहाँ पे इसका आंसर रहा है बी, यस बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम देखें दिस इज क्वेश्चन नंबर टू और इसका आंसर रहेगा आपके पास ए, यस क्वेश्चन टू का आंसर रहेगा ए, ओके। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास ये रहा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके पास बी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, डन। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है देखिए यहां पे इसका आंसर रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है डी, यस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में सी, बिल्कुल सही है बच्चे का, डीकम्पोज्ड, डन। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है ए, सिक्स्थ का आंसर रहेगा ए, सेवन्थ का आंसर रहेगा सी, यस सेवन्थ का आंसर है सी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, एट्थ क्वेश्चन के अंदर अपोजिट आपको फाइंड आउट करना था, यस फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ विटलेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा, एट्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा आप लोगों के पास में सी, ओके एट्थ का आंसर है सी, ओके। ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में एक फिगर आई हुई थी, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए, तो यहाँ पे एक फिगर मेंशन है और इस फिगर के अंदर लाइंस फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन हो रखी थी, लाइंस फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स नहीं फाइंड आउट करने, तो नंबर ऑफ मिनिमम लाइन्स यहाँ पे आ जाएगी आपके पास में 12, यस 12, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उसके बाद आ जाता है टेंथ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन देखते हैं हम, टेंथ क्वेश्चन के अंदर स्टार गिवन है ये आपके पास में, और यहाँ पे ये देखिए इसके अंदर आपको बताना कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसके अंदर बनेंगे 10 ट्रायंगल्स बनेंगे, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर है आपके पास एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन है जिसमें है ए बी 3 सी ई 6 एफ 11 F I 10 J N 15, तो यहाँ पे आपके पास आंसर रहेगा ऑप्शन
सी, यस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट देखते हैं. यस नेक्स्ट अगर ट्वेल्थ क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ट्वेल्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके पास में ऑप्शन ए. यस ट्वेल्थ क्वेश्चन जो है उसका आंसर रहेगा हमारे पास में ऑप्शन ए. ओके अब उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा डी, दैट मींस ब्लू. कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया हुआ था ये आपके पास में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास देखिए वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था. ठीक है तो वेन डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपने देखना है कि जो इसके अंदर 14th क्वेश्चन है यहाँ पे 14th क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा आपके पास में सी. यस 14th क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके पास में सी विल बी द करेक्ट आंसर. उसके बाद आप देखिए 15th क्वेश्चन. 15th क्वेश्चन देखते हैं 15th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा. यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा हमारे पास में ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन बी. देन क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 पे हम देखें तो यहाँ पे अपने पास में जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके तो नेक्स्ट देखते हैं हम. यस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 है. यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा सी. यस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा सी. देन क्वेश्चन नंबर 18. यस क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपके पास में आंसर रहेगा बी. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा आपके पास में. यस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा डी. डन. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव कर रहे हैं. हाँ जी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर दोनों ही फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास में तो आंसर रहेगा इसका डी. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा डी. बोथ कंक्लूजन्स 1 and 2 आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है आपके पास बी. क्वेश्चन नंबर 21 आंसर इज बी. देन क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 यस इसका आंसर रहेगा आपके पास सी. क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा सी. क्वेश्चन नंबर 23 द आंसर विल बी बी. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर रहेगा आपके पास में ऑप्शन डी. क्या रहेगा ऑप्शन डी. नाउ 25 to 27 क्या है आपके पास में सिलोग्स के क्वेश्चन आए हुए हैं. सिलोजियम के काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे ना तो ये देखिए यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन क्या है. यहाँ पे नो बैगर इज पुअर इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए 25th का आंसर रहेगा डी. क्वेश्चन नंबर 25th का आंसर रहेगा डी. देन क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा क्वेश्चन नंबर 26 इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 27 यस क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर रहेगा बी. ओके यस क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 देखिए 28 का आंसर रहेगा आपके पास में ऑप्शन डी. ऑप्शन डी आंसर है. कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे सी और डी दोनों में बच्चों को काफी कंफ्यूजन रही है तो आंसर इसका डी रहेगा ना कि सी रहेगा. ठीक है क्वेश्चन नंबर
28 जिसमें आपके पास में स्टार और डायमंड को कंपेयर करना था, उसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 16:3। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर रहेगा आपके पास डी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 अगेन आपके पास में जो क्वेश्चन था 30 नंबर, तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अपने पास में आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन 31 का आंसर देखिए यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास में, 12 ईयर्स, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर रहेगा आपके पास, यस क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर रहेगा सी। ओके, अब उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 द आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर रहेगा अपने पास में बी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहेगा आपके पास, यस क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर विल बी बी, दैट मीन्स साउथ। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर रहेगा आपके पास में बी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 डाउटफुल क्वेश्चन है बेटा, इसका आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा डाउटफुल है, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकती कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी आंसर बन रहा है सी, ठीक है, वैसे आप एक बार, मैं डाउटफुल हूँ, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा डाउटफुल रहा है, ये सीरीज थोड़ा सा सीरीज के अंदर है डाउटफुल। ओके, तो यहाँ पे भाई आप ऑप्शन अगर चेक करते हो तो सी बन रहा है, फिर भी एक बार इसका आप थोड़ा डाउटफुल केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यस क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर रहेगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर रहेगा आपका ए, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर रहेगा ए। देन कम ऑन क्वेश्चन नंबर 41, यस क्वेश्चन नंबर 41, 41 का आंसर रहेगा आपके पास में ऑप्शन नंबर सी, दैट मींस कि 6 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, यस। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर रहेगा डी, क्वेश्चन नंबर 42 डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यस क्वांट का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा इसका ए, यस 48 का आंसर रहेगा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, उसके बाद अगेन एक पैराग्राफ गिवन है इंग्लिश का, अब इसके आंसर देखते हैं, यस क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर रहेगा आपके पास सी, क्वेश्चन नंबर 44 सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का है बी, अगेन बी विल बी द करेक्ट आंसर, एक सेकेंड, 46, क्वेश्चन नंबर 46 का है बच्चे सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यस क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है यहाँ पे है, व्हाट इज द मैंडेटरी, यस 47 का आंसर है बी। यहाँ पे आपके पास में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, और वो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है कि व्हाट आर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर वोट इन इंडिया।
ठीक है, देर आर फाइव ऑप्शंस, फाइव के अंदर से कौन कौन सी मैंडेटरी है वो आपकी आंसर है। तो यहाँ पे अपने पास में जो आंसर आएगा 47 का, 47 का आंसर रहेगा आपके पास में ऑप्शन बी। ओके यस, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास 48 देखिए क्वेश्चन क्या है। गोकुल इज द ओनली सन ऑफ सुरेश एंड रानी, सुरेश और रानी का कला कला बेटा है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर है, आंसर बनेगा सी, क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी। अब यहाँ पे कह रहा है कि गोकुल इज ओनली सन ऑफ सुरेश एंड रानी, इसके अंदर भी अलग अलग लोगों के अलग अलग राय है, बट अकॉर्डिंग टू मी सी आंसर आएगा, बिकॉज यहाँ पे कह रहा है गोकुल इज ओनली सन ऑफ सुरेश, ओनली सन कहा है उसने, ये तो नहीं कहा कि उसकी कोई बेटी नहीं हो सकती, बेटी तो हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि या तो ऐसा होगा कि गोकुल हैज सिस्टर, सिस्टर है उसकी, एक सिस्टर हो सकती है उसकी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सुरेश एंड रानी हैव ओनली हैव वन सन, कि उसका कल्ला एक ही बेटा हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है क्या, सुरेश एंड रानी हैज हैव वन सन, तो उसके पास सन तो एक ही है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। जो उसके पास सन है, सन तो उसके पास एक ही है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपकी करेक्ट है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी वैलिड, गोकुल हैज वन सिस्टर, गोकुल की एक सिस्टर है। अब ये तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि एक सिस्टर है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट में गोकुल है इज ओनली सन ऑफ सुरेश एंड रानी, दैट मीन्स कि उसकी एक या दो या तीन कितनी मर्जी बेटियां हो सकती हैं, मीन्स कि कंफ्यूजन है, दैट मीन्स कि जो ऑप्शन ए फर्स्ट है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद देखिए 49, यस 49 क्वेश्चन अगर हम देखें तो 49 का आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, हाँ जी देखिए 49th क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। तो 49th के अंदर क्या है आपके पास, ज्योति हैज इनवाइटेड हर फ्रेंड्स, ये वाला है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, ज्योति वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा सी, विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम ऑन 50th क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन क्या है आपके पास में, हाँ जी, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपके पास में, 50th का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट मीन्स कि ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ जी, ए विल बी द करेक्ट आंसर, 50 का ए आंसर आएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 बेस्ड था आपके पास में जो कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करना है कि कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे आईटी ऑफिसर के लिए कुछ कंडीशंस गिवन है, तो उसके बेस पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन, 51 अगर हम देखें तो 51 का आएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर, 51 ए विल बी द करेक्ट आंसर, यस 52 क्वेश्चन नंबर 52 का आएगा आपके पास में सी विल बी द करेक्ट आंसर, फॉर क्वेश्चन नंबर 52 सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर रहेगा आपके पास में बी, यस 53 का आंसर रहेगा बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 है आपके पास, तो इसका आंसर रहेगा आपके पास सी, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर रहेगा सी। डन, यस, देन क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर रहेगा आपके पास डी, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 56 से 58 के लिए अलग से इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको आंसर करना है। डन, तो क्वेश्चन नंबर 56 हम देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 56 के आंसर रहेगा आपके पास में डी,
क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर रहेगा डी. देन क्वेश्चन नंबर 57. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी. क्लियर, 57 का आंसर रहेगा आपके पास में सी. उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 58 देखिए. यस, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर रहेगा आपके पास बी. 58 का आंसर रहेगा बी. ओके, यस. देन नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 59. 59 अगेन आपके पास क्या है, एक पैसेज गिवन है. ध्यान रखना 59 क्वेश्चन के लिए पैसेज है, जो कि 59 से 62 नंबर तक के क्वेश्चंस के लिए है. ठीक है, 59 से 62 तक के जो क्वेश्चंस है दे आर बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज. पैसेज कौन सा, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन वाला पैसेज है. हाँ जी, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का पैसेज है. तो यहाँ पे आप देखिए, यस, पूरा पैसेज आ गया. ये आ गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर रहेगा ए. क्वेश्चन नंबर 61 देखिए. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर रहेगा हमारे पास ए. क्वेश्चन नंबर 62 इसका आंसर रहेगा आपके पास सी. क्वेश्चन नंबर 62 आंसर विल बी सी, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 63 to 66, यस, क्वेश्चन नंबर 63 to 66 इज अगेन बेस्ड ऑन ए पैराग्राफ. पैराग्राफ गिवन है आपके पास. यस, देखते हैं आंसर क्या रहेगा आपके पास में. पहले क्वेश्चंस देखते हैं. पैराग्राफ कौन सा, ये देख लेना आप. हाँ जी, ये पैराग्राफ है आपके पास, मैरी क्यूरी वाला पैराग्राफ है. मैरी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट इन हिस्ट्री, ये वाला पैराग्राफ है. इस पे बेस्ड द क्वेश्चन है 63 से 66 तक. ओके, तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर रहेगा बी. क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर रहेगा बी. ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर रहेगा डी. नाउ अगेन एक और पैराग्राफ गिवन है आपके पास. पैराग्राफ कौन सा है, ये है द विक्ट्री ऑफ द स्मॉल ग्रीक डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस, ये वाला पैराग्राफ है. 67 to 70 तक के जो क्वेश्चन है वो इसी पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड है. तो ये देखते हैं हम. यस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 द आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर रहेगा सी. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर रहेगा आपके पास में सी. क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर रहेगा आपके पास बी. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम. अगेन आपके पास में 71 से 76 के लिए ये जो क्वेश्चंस है ये इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन आए हुए थे. तो यहाँ पे देखिए अपने पास में जो आंसर रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर रहेगा आपके पास डी. क्वेश्चन नंबर 72 आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 73 द आंसर विल बी डी. ओके, क्वेश्चन नंबर 74 द आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 75 द आंसर विल बी बी.
क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर रहेगा डी. डन. हां जी, अगेन आपके पास में क्वेश्चन है 77 से 82. अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास में इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन आए हुए, तो यहाँ पे देखिए मैच करना है आपको. 77 का यहाँ पे जो आंसर बन रहा है, 77 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 77 ऑप्शन बी. देन क्वेश्चन नंबर 78. यस, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए. फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 79 द ऑप्शन विल डी विल बी द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन रहेगा आपके पास में डी. यस, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर रहेगा डी. डन. यस, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर रहेगा आपके लिए ए. क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 82 बी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 83. क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर रहेगा, यस, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट ए. क्वेश्चन नंबर 84, हाँ जी 84, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर रहेगा ए. क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर रहेगा, हाँ जी 85 देखते हैं. 85 क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर रहेगा ए. क्वेश्चन नंबर 85 ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 86 आपके पास में यस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर रहेगा बेटा इसका ऑप्शन नंबर डी. डन. देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर रहेगा सी. क्वेश्चन नंबर 87 सी, जो स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया हुआ है उसका आंसर रहेगा सी. क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन रहेगा आपके पास में, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. यस, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 89, यस, क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर रहेगा डी. देन क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है आपके पास में ए. क्वेश्चन 90 ए विल बी द करेक्ट आंसर. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर रहेगा डी. ओके, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर रहेगा डी. ओके, उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट ए. क्वेश्चन नंबर 93 ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 94 का आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखिए. यस, क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन रहेगा आपके पास में डी. क्वेश्चन नंबर 90 डी विल बी द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 91 अगेन एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है, ये आपके पास डी आई आई हुई है. यस, डी आई है, लाइन चार्ट गिवन है, 95 96 इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो 95 का आंसर रहेगा आपके पास बी. एंड क्वेश्चन नंबर 96 देखिए इसका आंसर रहेगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी. ओके, यस, उसके बाद में आ जाता है आपके पास
क्वेश्चन नंबर 97 इज ए क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर रहेगा आपके पास ए. डन. क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर रहेगा बी. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर रहेगा आपके पास में ऑप्शन फर्स्ट ए 65. ओके. देन आपके पास है 100th क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा. लास्ट क्वेश्चन क्या है? यस, बैट्समैन परसेंटेज डिड नॉट मेक बिटवीन द विकेट्स. यस, परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन है. क्या है 100th क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके पास में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए. तो ये आपके आंसर की थी सी सेट पेपर 2 के लिए. कुछ क्वेश्चंस वारी कर सकते हैं. हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स वारी कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि हाँ जी आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर की प्रोवाइड की जाए. अब आप लोगों के जो पेपर 1 हो चुका है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, अब पेपर 1 और पेपर 2 मींस जीएस और सी सेट, इसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ जी प्रीलिम्स अपना क्लियर होगा या नहीं होगा. तो जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हाँ जी मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो मेंस के लिए अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए आप लोग. यस, मेंस के लिए अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं बचता है. ओके, तो बने रहिए अभिपीडिया के साथ में. हाँ जी, अभिपीडिया के साथ बने रहिए. मेंस के लिए भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द मेंस. थैंक यू सो मच.